Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I, Shalini Tiwari, your new teacher, will going to take your Hindi class today, okay? So let's start. पाठ एक प्रार्थना। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के पल, सरस बने प्रभु सरस बने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु से यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे देश की जो मिट्टी है वह उपजाऊ हो, कृषि योग्य बने, ताकि जो फल फूल लगाए जाएं हमारे देश में उनकी पैदावार और अधिक हो। हमारे देश का जो जल हो वह निर्मल हो, स्वच्छ हो, तथा हमारे देश की जो वायु हो वह प्रदूषण रहित हो, जिससे यहाँ निवास करने वाले सभी प्राणी पशु पक्षी स्वच्छंद रूप से उस वायु में विचरण कर सकें। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु से पुनः यह प्रार्थना की है कि ये प्रभु, हमारा जो देश है यहाँ पर सभी घर, नदी, समुद्र, नदियों व समुद्र के किनारे सभी स्वच्छ हो, तथा उनका जल निर्मल हो, स्वच्छ हो, पीने योग्य हो। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का आशय है कि हे प्रभु, हमारे देश में निवास करने वाले सभी प्राणियों के तन व मन दोनों ही बहुत ही स्वच्छ हो, निर्मल हो, अर्थात किसी के भी मन मस्तिष्क में किसी के लिए भी बुरे विचार ना आए और सभी के बीच आपसी सौहार्द व भाईचारा बना रहे। ओके बेटा, आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आ गई। अब हम पार्ट एक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। प्रश्न एक, शब्द अर्थ। हमें कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। ओके बेटा, नाउ लुक हियर। सरस, सरस का अर्थ है रसीला, सरस का अर्थ है रसीला। नेक्स्ट वर्ड इज घाट, घाट का अर्थ है किनारा, घाट का अर्थ है किनारा। नेक्स्ट वन, वन का अर्थ है जंगल। नेक्स्ट विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ। नेक्स्ट माटी, माटी का अर्थ है मिट्टी। बाट, बाट का अर्थ है रास्ता। और तन, तन का अर्थ है शरीर। ओके, नाउ रिपीट अगेन। सरस, सरस का अर्थ है रसीला। घाट का अर्थ है किनारा। वन का अर्थ है जंगल। विमल का अर्थ है स्वच्छ। माटी का अर्थ है मिट्टी। बाट का अर्थ है रास्ता। और तन का अर्थ है शरीर। नेक्स्ट कम ऑन द क्वेश्चन सेकेंड। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उस पर टिक करना है। कवि प्रभु से क्या सरल बनाने की बात कर रहा है? मैम ने आप लोगों को कविता में बताया था कि प्रभु, प्रभु से कवि किन किन चीजों को सरल बनाने की बात कर रहा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं घाट, वन, उपयुक्त सभी। बताइए बेटा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यस, घाट और वन दोनों ही चीजों को कवि ने प्रभु से सरल बनाने की बात कही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? उपयुक्त सभी। लोग सो टेक ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट। कविता में कवि किस विषय पर चर्चा कर रहा है? जो आपकी कविता है उसमें कवि ने किस विषय पर ज्यादा फोकस किया है, उसने सारी चीजों को किस विषय पर बताया है? देश के बारे में बताया है, घर के बारे में बताया है, या गांव के बारे में बताया है? यस बेटा, कवि ने कविता में देश के बारे में बताया है। देश में जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें दी गई हुई हैं उस पर कवि ने चर्चा किया है। सो टिक राइट ओवर हियर।
नेक्स्ट प्रश्न 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें आपको कविता की आधी लाइन दी हुई है और आधी आपको खुद से लिखनी है। ओके बेटा, देश के घर और देश के घाट। ओके रिपीट अगेन, देश के घर और देश के घाट। नेक्स्ट लाइन, देश के वन और देश के बाट। क्या फील होगा बेटा यहाँ पे? देश के वन और देश के बाट। सरल, यस सरल बने प्रभु, सरल बने। क्या होगा बेटा? सरल बने प्रभु, सरल बने। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट, देश के तन और देश के मन। ओके, देश के तन और क्या फील होगा बेटा? देश के तन और देश के मन। नेक्स्ट, देश के क्या होगा बेटा? देश के घर और भाई बहन। क्या होगा बेटा? देश के घर और भाई बहन। नेक्स्ट, यस कौन सी लाइन रिपीट होगी? सरल बने प्रभु, सरल बने। ओके, नाउ लुक हियर, सरल बने प्रभु, सरल बने। ये हमारी कविता कंप्लीट हो गई। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम होम असाइनमेंट। ओके बेटा, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, उसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, उसकी फोटो क्लिक करनी है और उसे आपको मुझे सेंड करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।